गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं मुस्तफ़ा हुसैन। आज रूट्स टू रूट्स के इस डिजिटल क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। और पिछले क्लास में जैसा कि मैंने एक नया कायदा शुरू किया था 3 ताल में, और वो कायदा तिरकिट और तेटे का एक मिक्स कायदा था, और इस कायदे को बजाने से फिंगर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, और इसका जो निकास है तो आपको तिरकिट और तेटे दोनों में बहुत सफाई से बजाने का तरीका समझ में आएगा। तो मैंने पिछले क्लास में आपको 3 पलटे बताए थे, 1 बंदिश के बोल और 3 पलटे बताए थे। तो मैं आज फिर से उसी कायदे को लेकर आगे बढ़ूंगा, और आज भी आपको कुछ और उसके प्रस्तार और पलटे सिखाऊंगा। उससे पहले जो है, मैं आपको 3 ताल का ठेका, जैसा कि मैंने बताया था कि किसी भी कायदे को शुरू करने से पहले हम एक लय डिसाइड करते हैं, और वो लय जो है विलंबित लय होती है। फिर विलंबित लय में हम कायदा शुरू करते हैं और फिर उसकी बढ़त करते हैं और लय को भी बदलते हैं, कि जैसे विलंबित में पहले शुरू किया, फिर उसकी दुगुन, फिर चौगुन। अगर आप बहुत अच्छा तैयार बजाते हैं तो उसकी 8 गुन भी बजा सकते हैं। तो 8 गुन बजाने में, और जब बोल बजते हैं तो वो बहुत खूबसूरत और सुंदर लगता है, सुनने में भी बहुत कर्णप्रिय होता है, और आप किसी को भी अपने तबला वादन से मंत्रमुग्ध कर सकते हैं। तो जब हम शुरू करते हैं तो 3 ताल का ठेका बजाते हैं और एक लय बनाते हैं विलंबित में, जैसे कि मैं आपको बजा के अभी बताता हूँ, फिर आगे सिखाऊंगा। तो ये मैं पहले अपना लय डिसाइड करता हूँ, बनाता हूँ कि किस लय में मैं शुरू करूँगा तो उसके दुगुन, चौगुन, अठगुन कर सकूँ। अब जो मैंने आपको बताया था वो बजाऊंगा, तिरकिट और तेटे का मिक्स कायदा। अब ये जो है 3 ताल में कायदा है तिरकिट और तेटे का, मैं बोलता हूँ। धा तीर किट,
ए ते टे घीना धाती धागे तूना कत्ता ता तीर कीट ते ते टे कीना धाती धागे तूना कत्ता धा। तो ये विलंबित में इस प्रकार से शुरू करते हैं और फिर इसकी लय बढ़ाते हैं, मतलब चेंज करते हैं, और फिर हम इसकी दुगुन बजाते हैं। जैसे कि कैसे बजाएंगे, अभी मैंने विलंबित में ये ठेका बांध करके कायदा शुरू किया और अब इसकी दुगुन कैसे करेंगे वो आप देखिए। अभी जैसे विलंबित में मैंने बजाया धा तीर कीट धे ते टे घी ना धाती धागे तू ना कता ता तीर कीट ते ते टे की ना धाती धागे तू ना। अब इसका दुगन धा तेरे कीट धे ते टे घी ना धाती धागे तू ना कता ता तेरे कीट ते ते टे की ना धाती धागे तू ना कता। ये दुगुन है। अब इसकी चौगुन धा त्रिकट धे ते टे घी ना धाती धागे तू ना कत्ता ता त्रिकट धे ते टे घी ना धाती धागे घी ना घी ना धा त्रिकट धे ते टे घी ना। अब अठगुन इस तरह से बिल्कुल क्लिष्ट बोल निकलना चाहिए साफ। और इसके लिए आपको जो रियाज करने का तरीका है वो ये है कि आप विलंबित में पहले बोलों को समझ समझ कर, फिंगर को समझ कर कि कौन से फिंगर कौन से बोल में सेट हो रहा है, लग रहा है, और उसको पावरली बजाकर, और पहले यहाँ रियाज करना चाहिए कम से कम आधे घंटे एक घंटे, और फिर तब लय बढ़ानी चाहिए। तो अगर हम विलंबित में पहले धा तीर कीट, तो ये जो दबाव है ये प्रेशर है फिंगर का, और ये देखिए तिरकिट कैसे निकल रहा है। धा जो है हम किनार पे बजाते हैं बोथ हैंड से, धा ती मिडिल फिंगर रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर एक साथ लग रहा है, ती रा, रा में इंडेक्स फिंगर लग रहा है। अब की बाएं में लेफ्ट हैंड को बंद करके जब बजाते हैं तो की का साउंड आता है, धा ती र की ट। अब टा जो है वो फिर से मिडिल फिंगर रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर एक साथ जब यहाँ पड़ता है तो टा, ती और टा एक ही तरह से बजते हैं, धा ती र की ट धे ते टे। अब टे इंडेक्स फिंगर से बज रहा है, धे भी इंडेक्स फिंगर से बज रहा है, धा ती र रा भी इंडेक्स फिंगर से बज रहा है, धा बोथ हैंड से बज रहा है, धा ती र की ट धे ते टे घी ना। अब घी जो है वो लेफ्ट हैंड डग्गे से बज रहा है बाएं में, घे का के की गा घे ये लेफ्ट हैंड में बजाते हैं। तो ये बोल धा ती र कीट धे ते टे घी ना, ना इंडेक्स फिंगर से किनार पे लग रहा है राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर से, ना ना और ता का साउंड एक ही होता है। तो अभी धे ते टे घी ना। अब धा और ती जो है वो मिडिल फिंगर से बजाएंगे, धा ती त
तो इसमें बहुत पावर होना चाहिए ताकि आपका साउंड बहुत क्लियर हो। धा ती धा आगे तू। अब तू जो है वो मैंने थंब पे स्टैंड किया और इंडेक्स फिंगर को स्याही पे टच करके जस्ट लाइक अ स्प्रिंग ऐसे छोड़ दिया तो ये तुन का साउंड आएगा। तो धा थी धा आगे तू और फिर ना इंडेक्स फिंगर राइट हैंड के तू ना फिर कत लेफ्ट हैंड बाएं में बंद करके बजाएंगे कत ता। जैसा मैंने बताया था कि ना और ता का साउंड एक ही होता है इंडेक्स फिंगर से तो ये ता आ गया तू ना कत ता। अब यहाँ से खाली चलेगा जो विभाग है हमारे तीन ताल का तो अब नौवीं मात्रा पे आएगा ता ती रे की टे ते ते टे ना धा ती धागे तू ना का ता। मैं इसको अब कंटिन्यूटी में बजा करके आपको समझाता हूँ ताकि आप मेरे फिंगर्स देख करके समझ पाएं कि कैसे कंटिन्यू होगा। धा ती धा ती रे की टे धे ते टे धी ना धा ती धागे तू ना का ता ता ती रे की टे ते ते टे की ना धा ती धागे तू ना का ता। और आप जब हैंड अपना तबले पे रखेंगे तो आप देखेंगे कि मेरे शोल्डर ऊपर की तरफ नहीं है, ऐसे नहीं है जैसे कई लोग ऐसे बजाते हैं। तो इसमें जो रिस्ट का पावर है वो सब कंधे की तरफ चला जाता है और वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल जब हम ऐसे बैठते हैं बस ये हाथ उठा के तबले पे रखना है और एल्बो डाउन रहेगा, एल्बो ऐसे अप नहीं होगा, ये एल्बो डाउन होगा, ये ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा। और बिल्कुल रिस्ट से तबला बजाएंगे धा ती रे की टे, यानी रिस्ट मीन्स कलाई। तो डबल इसकी ठीक है ते ते टे घी ना धा ती धागे तू ना कत्ता ता तेरे कटे ते ते टे घी ना धा ती धागे तू ना कत्ता धा तेरे कटे धे ते टे घी ना धा ती धागे तू ना कत्ता ता तेरे कटे ते ते टे घी ना धा ती धागे घी ना घी ना। अब चौगुन धा तेरे कटे ते ते टे घी ना तू ना कत्ता ता तेरे कटे ते ते टे घी ना धा ती धागे घी ना घी ना धा तेरे कटे ते ते टे घी ना धा ती धागे ती ना घी ना ता तेरे कटे ते ते टे घी ना धा ती धागे घी ना। अब इसकी अड़गुन हो जाएगी दर गिधे ते टे गिना ताती ताके तीना गिना तात गिधे ते टे गिना ताती ताके तीना गिना तात गिधे ते टे गिना ताती ताके तीना गिना तात गिधे ते टे गिना ताती ताके तीना गिना तात गिधे। अब मैं प्रस्तार बजाऊंगा और आप देखिए जो मैंने दो तीन बोल आपको बताया है उसके प्रस्तार आगे बजा के दिखाता हूँ फिर आपको बताऊंगा। Thank you.
इस प्रकार से पूरा कायदा तिहाई के साथ बजाते हैं और वापस अपने लय पे आते हैं। तिन ता तिन कटिन ता त्रिकट ता। तो ये तरीका है बजाने का कि पहले हम लय को बांटते हैं कि जो बंदिश के बोल विलंबित में बजाया उसको फिर मैंने दुगुन की लय में बजाया, फिर चौगुन की लय में बजाया, फिर उसके बाद अठगुन की लय में बजाया। और एक बार जब लय कायम हो गया, जब हमने अठगुन में लय को स्टैंड कर लिया, तो फिर आगे के प्रस्तार और पलटे बजाना शुरू किया। तो आप अपने नोटबुक निकाल लीजिए और मैंने जो बताया था पहले उसको बता देता हूँ, फिर उसके आगे के बोल को आपको लिखवाऊँगा। आप इसको लिख करके और जिस प्रकार से मैंने बजाया है और जैसा मैंने सिखाया है, तो अगर आप इस प्रकार से बजाएंगे तो आप एक अच्छे तबला वादक के रूप में अपने आप को स्टैंड कर पाएंगे और अच्छा तबला बजा पाएंगे। अगर ये तरीका जो मैंने बताया है रियाज़ करने का और बोलों को समझकर फिंगर कैसे लगने, ये सारा मैंने अभी क्लियर किया है, तो आप इस प्रकार से बजाएंगे तो आप भी ऐसे ही बहुत सुंदर तबला बजा पाएंगे। तो मैंने बंदिश के बोल आपको बताए थे धा ती र की ट धे ते टे घी ना। धा ती धा गे तू ना कत्ता। ये हम सांगीतिक भाषा में कहते हैं ये भरी हुआ। अब खाली में आएगा ता तीर कीट ते टे टे की ना एंड धा ती धागे तू ना कत्ता। इसी प्रकार से बोलने की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि पहले मैंने इतना कम लय में बोला, वो इसलिए कि आपको एक एक बोल लिखने में आसानी हो और आप समझ पाएँ। अब अगर इसकी दुगुन बोलनी होगी तो धा ती रे किट धे ते टे घी ना धा ती धागे तू ना कत्ता ता ती रे किट ते ते टे की ना धाती धागे तू ना कत्ता। अगर चौगुन में बोलेंगे तो धा तिरिकट धे ते टे घी ना धाती धागे तू ना कत्ता ता तिरिकट ते ते टे की ना धाती धागे तू ना कत्ता। तू ना कत्ता भी बजा सकते हैं और धीना गेना भी बजा सकते हैं। धीना गेना बजाने से दाएं बाएं की सुंदरता वो दिखती है। तो धा त्रिकट धे ते टे घी ना धाति धागे ती ना की ना ता त्रिकट धे ते टे घी ना धाति धागे धी ना गी ना। अब अठगुन में बोलूँगा तो धा त्रिकट धे ते टे घी ना धाति धागे ती ना की ना ता त्रिकट धे ते टे घी ना धाति धागे धी ना गी ना धा त्रिकट धे ते टे घी ना धाति धागे ती ना की ना ता त्रिकट धे ते टे घी ना धाति धागे धी ना गी ना धा त्रिकट धे ते टे घी ना धाति धागे ती ना की ना ता त्रिकट धे ते टे घी ना धाति धागे। ऐसा बोलना है जैसे लगे तबला बज रहा है। अब इसके आगे के बोल हैं नंबर टू धा तिरिकट धे ते टे घी ना थ्री टाइम बजेगा। धा तिरिकट धे ते टे घी ना धा तिरिकट धे ते टे घी ना धा तिरिकट धे ते टे घी ना धा ती धागे तू ना कत्ता ता तिरिकट ते ते टे की ना ता तिरिकट ते ते टे की ना धा त्रिकट धे ते टे घी ना धाति धागे धी ना गी ना। तो ये नंबर टू के बोल है। मैं अगेन इसको रिपीट कर रहा हूँ तो आप प्लीज़ नोट डाउन कर लें और इसको फिर बाद में रियाज करें। धा त्रिकट धे ते टे घी ना धा त्रिकट धे ते टे घी ना धा त्रिकट धे ते टे घी ना धाति धागे तू ना कत्ता ता त्रिकट ते ते टे की ना ता त्रिकट ते ते टे की ना धा त्रिकट धे ते टे घी ना धाति धागे धी ना गी ना।
ये नंबर टू के बोल थे। नंबर थ्री के थे धात्रिकट धे ते टे घी ना ते टे ते टे ते टे घी ना। अब ते टे का विस्तार इस पलटे में आ गया। धात्रिकट धे ते टे घी ना ते टे ते टे ते टे घी ना। धात्रिकट धे ते टे घी ना धाति धागे तू ना कत्ता। तात्रिकट ते ते टे की ना ते टे ते टे ते टे की ना। धात्रिकट धे ते टे घी ना धाति धागे तू ना कत्ता। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको ये लय ज़्यादा लग रही है तो मैं और धीरे भी बोल सकता हूँ ताकि आप इसको लिख पाए। तो मैं नंबर थ्री के बोल बोल रहा हूँ धा तिरे किट धे ते टे घी ना ते टे ते टे ते टे घी ना। थ्री टाइम रिपीट हो रहा है ते टे इसमें और वन टाइम धा तिरे किट बज रहा है। धा तेरे किट धे ते टे घी ना वन टाइम और थ्री टाइम ते टे ते टे ते टे घी ना। फिर अगेन पहले वाला बोल रिपीट होगा धा तेरे किट धे ते टे घी ना एंड धा ती धागे तू ना कत्ता। ता तेरे किट ते ते टे की ना ते टे ते टे ते टे की ना। धा तिर किट धे ते टे घी ना धाति धागे तू ना कत्ता। तो ये नंबर थ्री के बोल हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए पूरी तरह से और बजाने में कोई भी तरह की परेशानी कोई कठिनाई ना आए। मैं रिपीट कर रहा हूँ नंबर थ्री के बोल धा तीर किट धे ते टे घी ना ते टे ते टे ते टे घी ना। धा तीर किट धे ते टे घी ना धाति धागे तू ना कत्ता। ता तीर किट ते ते टे की ना ते टे ते टे ते टे की ना। धा तेरे किट धे ते टे घी ना धाति धागे तू ना कत्ता। ये तीन नंबर थे। अब अगेन मैं चार नंबर के बोल बोल रहा हूँ धा तेरे किट धे ते टे घी ना ते टे ते टे ते टे घी ना। धा तेरे किट धे ते टे घी ना ते टे ते टे ते टे घी ना। धा तिर किट धे ते टे घी ना ते टे ते टे ते टे घी ना। धा तिर किट धे ते टे घी ना धाति धागे तू ना कत्ता। फिर इसके खाली के बोल आएंगे ता तिर किट ते ते टे की ना ते टे ते टे ते टे की ना। ता तिर किट ते ते टे की ना ते टे ते टे ते टे की ना। धा तिर किट धे ते टे घी ना ते टे ते टे ते टे घी ना। धा तिर किट धे ते टे घी ना धाति धागे तू ना कत्ता। अभी इसमें क्या हुआ, जो नंबर थ्री के बोल थे उसको मैंने थ्री टाइम रिपीट किया। नंबर थ्री में थे धा धा तिर किट धे ते टे घी ना ते टे ते टे ते टे घी ना। धा तिर किट धे ते टे घी ना धाति धागे तू ना कत्ता। इसको मैंने थ्री टाइम रिपीट किया तो ये नंबर फोर हो गया। आप देखिए ये तरीका भी सीखते जाइए कि कैसे हम प्रस्तार बनाते हैं और पलटे बनाते हैं। चूंकि ये तीन ताल है तो तीन ताल में चार विभाग होते हैं, तो विभाग के अनुसार हम प्रस्तार और पलटे का निर्माण करते हैं।
तो चार चार के बोल जा रहे हैं तो इसी प्रकार चार चार जाना चाहिए, जैसे धा तेरे किट धे ते टे घीना, अब धाती धागे तू ना कत्ता, ये चार बोल हो गए। धा तेरे किट धे ते टे घीना, अब धाती धागे तू ना कत्ता, चार बोल हो गए। तो ऐसे जो है हम बोल बनाते हैं और तब वो 16 मात्रे में कंप्लीट होते हैं। नंबर 4 रिपीट कर रहा हूँ, धा तेरे किट धे ते टे घीना, ते टे ते टे ते टे घीना, धा तेरे किट धे ते टे घीना, ते टे ते टे ते टे घीना, धा तेरे किट धे ते टे घीना, ते टे ते टे ते टे घीना, धा तेरे किट धे ते टे घीना, धाती धागे तू न कत्ता। फिर खाली के बोल आएंगे, ता तेरे किट ते ते टे कीना, ते टे ते टे ते टे कीना, ता तेरे किट ते ते टे कीना, ते टे ते टे ते टे कीना, एंड धा तेरे किट धे ते टे घीना, ते टे ते टे ते टे घीना, धा तेरे किट धे ते टे घीना, धाती धागे तू ना कत्ता। तो ये जो है चार बोल कंप्लीट हो गए। पांचवा बोल इसका होगा, धा तेरे किट धे ते टे घीना, ते टे ते टे ते टे घीना, ते टे ते टे ते टे घीना, धा तेरे किट धे ते टे घीना, धाती धागे तू ना कत्ता, ता तेरे किट ते ते टे कीना, ते टे ते टे ते टे कीना, धा तेरे किट धे ते टे घीना, धाती धागे तू ना कत्ता। अब इसमें मैंने तेटे को और बढ़ाया नंबर 5 में। अब इसमें तेटे रिपीट हो रहा है, धा तेरे किट धे ते टे घीना, ते टे ते टे ते टे घीना, ते टे ते टे ते टे घीना, ते टे ते टे ते टे घीना, धा तेरे किट धे ते टे घीना, धाती धागे तू न कत्ता। अब खाली आएंगे, ता तेरे किट ते ते टे कीना, ते टे ते टे ते टे कीना, ते टे ते टे ते टे कीना, धा तेरे किट धे ते टे घीना, ते टे ते टे ते टे घीना, धा तेरे किट धे ते टे घीना, धाती धागे तू ना कत्ता। तो ये आपके 5 बोल कंप्लीट हो गए। तो मैंने अभी आपको 5 नंबर तक बताया ये कायदा, तेटे और तिरकिट का मिक्स, धा तेरे किट धे ते टे घीना, धाती धागे ती ना कीना। अब ये 5 नंबर तक फास्ट अगर बोलना होगा तो कैसे बोलेंगे आप? तो अगर मैंने जैसे लय बनाया था कि धा तीर कीट धे ते टे घी ना, धा ती धा अगे तू ना कत्ता, ता तीर कीट ते ते टे की ना, एंड धा ती धागे तू ना कत्ता। अब इसका दुगुन करेंगे, धा तीर किट धे ते टे घी ना, धा ती धागे तू ना कत्ता, ता तीर किट ते ते टे की ना, एंड धा ती धागे
तू न कत्ता। अब चौगुन करेंगे, धा तेरे किट धे ते टे घी न, धा ते धागे तू न कत्ता, ता तेरे किट ते ते टे की न, धा ते धागे तू न कत्ता। और इसकी अटगुन होगी, दातरी गिटते तट्टे गिन्ना दाती दागे तू न कत्ता, तातरी गिटते तट्टे गिन्ना दाती दागे धू न गिन्ना, दातरी गिटते तट्टे गिन्ना दाती दागे तू न कत्ता, तातरी गिटते तट्टे गिन्ना दाती दागे धे न गिन्ना। अब इस नेक्स्ट बोल मैं 5 नंबर तक लगातार बोल रहा हूँ कंटिन्यू। धातरी गिटते तट्टे गिन्ना दाती दागे तीन न गिन्ना, तातरी गिटते तट्टे गिन्ना दाती दागे धी न गिन्ना, दातरी गिटते तट्टे गिन्ना दातरी गिटते तट्टे गिन्ना, दातरी गिटते तट्टे गिन्ना दाती दागे तीन गिन्ना, तातरी गिटते तट्टे गिन्ना तातरी गिटते तट्टे गिन्ना, धातरी गिटते तट्टे गिन्ना दाती दागे धी न गिन्ना, दातरी गिटते तट्टे गिन्ना तट्टे 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 गिन्ना, दातरी गिटते तट्टे गिन्ना दाती दागे तीन गिन्ना, तातरी गिटते तट्टे गिन्ना तट्टे 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 गिन्ना, धातरी गिटते तट्टे गिन्ना दाती दागे धी न गिन्ना, दातरी गिटते तट्टे गिन्ना तट्टे 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 गिन्ना, दातरी गिटते तट्टे गिन्ना तट्टे 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 गिन्ना, दातरी धातर गिड़े तट्टे गिना तटे 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 गिना तटे 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 गिना, दातर गिड़े तट्टे गिना तटे 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 गिना, दातर गिड़े तट्टे गिना दाती दागे तीन गिना, दातर गिड़े तटे गिना तटे 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 गिना तटे 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 गिना, दातर गिड़े तट्टे गिना तटे 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 गिना, दातर गिड़े तट्टे गिना दाती दागे धीन गिना। इस प्रकार से आप पढ़ंत करेंगे तो आपकी जबान भी बहुत साफ हो जाएगी और कुछ भी बोलेंगे तो बहुत क्लिष्ट आएगा। तो आपको मैं इसके नंबर 6 की तरफ बढ़ता हूँ। आज मैं एक और बोल आपको कंटिन्यू करता हूँ। धातरी किट धे ते टे घी ना ते टे ते टे ते टे घी ना ते टे 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 घी ना। अगेन रिपीट करेंगे, धातरी किट धे ते टे घी ना ते टे ते टे ते टे घी ना ते टे 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 घी ना, धातरी किट धे ते टे घी ना ते टे ते टे ते टे घीना, धा त्रिकट धे ते टे घीना, धाती धागे तीना कीना, ता त्रिकट ते ते टे कीना ते टे ते टे ते टे कीना ते टे 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 कीना, ता त्रिकट ते ते टे कीना ते टे ते टे ते टे कीना ते टे 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 कीना, धा त्रिकट धे ते टे घीना ते टे ते टे ते टे घीना ते टे 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 घीना, धा त्रिकट धे ते टे घीना ते टे ते टे ते टे घीना, धा त्रिकट धे ते टे घीना धाती धागे धीना गीना। अगेन रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप नोट डाउन कर लें। धा त्रिकट धे ते टे घीना ते टे ते टे ते टे घीना ते टे 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 घीना, धा त्रिकट धे ते टे घीना ते टे ते टे ते टे घीना ते टे 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 घीना, धा त्रिकट धे ते टे घीना ते टे ते टे ते टे घीना ते टे 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 घीना, धा त्रिकट धे ते टे घीना ते टे ते टे ते टे घीना, धा त्रिकट धे ते टे घीना धा ते दा गे तीन किन, ता त्रिकट ते ते टे किना ते टे ते टे ते टे किना ते टे 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 किना, ता त्रिकट ते ते टे किना ते टे ते टे ते टे किना ते टे 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 किना, धा त्रिकट धे ते टे घीना ते टे ते टे ते टे घीना ते टे 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 घीना, धा त्रिकट धे ते टे घीना ते टे ते टे ते टे घीना धा त्रिकट धे ते टे घीना धाती धागे धीना गीना। तो ये नंबर 6 तक आपको मैंने बताया है बोल, और मैं अब कैसे ये निकलेगा वो भी बता देता हूँ। तेटे तेटे कैसे रिपीट होगा, जैसे नंबर 4 है, धा तेरे किट धे ते टे घीना ते टे ते टे ते टे घीना, धा तेरे किट धे ते टे घीना धाती धागे तू न कत्ता, ता तेरे किट ते ते टे घीना ते टे ते टे ते टे घीना, धा तेरे किट धे ते टे घीना धाती धागे तू ना कत्ता। अब जो मैं तेटे बजा रहा हूँ वो इंडेक्स फिंगर से रिपीट हो रहा है, ते टे ते टे ते टे घीना। सबसे
पावरफुल फिंगर माना जाता है इंडेक्स फिंगर को, इसलिए। और ये जो है टेटे बजाने के लिए हाथ भी नहीं फंसेगा क्योंकि उसके बाद धा आ रहा है। तो ये ते टे ते टे ते टे घी ना, तो ये इंडेक्स फिंगर ओपन रहने की वजह से आप घी ना आसानी से बजा सकते हैं, और ये फास्ट बजाने में भी बहुत आसान और सहायक होता है। धा त्रिकड़ ते ते टे घी ना ते टे ते टे ते टे घी ना। इस प्रकार से इंडेक्स फिंगर से तेटे बजाइएगा, ते टे घी ना, धा ते रे के टे धे ते टे घी ना, ते टे ते टे ते टे घी ना, धा ते रे के टे धे ते टे घी ना, धा ती धागे तू ना कत्ता, ता ते रे के टे ते ते टे कीना ते टे ते टे ते टे कीना, धा ती रे के टे धे ते टे घीना, धा ती धागे तू ना कत्ता। और नंबर फाइव जो था वो था धा ते रे के टे धे ते टे घीना, ते टे ते टे ते टे घीना, धा ते रे के टे धे ते टे घीना, ते टे ते टे ते टे घीना, धा ते रे के टे धे ते टे घीना, ते टे ते टे ते टे घीना, धा ते रे के टे धे ते टे घीना, धा ती धागे तू ना कत्ता, ता ती रे के टे ते ते टे कीना, ते टे ते टे ते टे कीना, ता ती रे के टे ते ते टे कीना, ते टे ते टे ते टे कीना, एंड धा ती रे के टे धे ते टे घीना, ते टे ते टे ते टे घीना, धा ती रे के टे धे ते टे घीना, धा ती धागे तू ना कत्ता। और नंबर सिक्स थे धा ती रे के टे धे ते टे घीना, ते टे ते टे ते टे घीना, ते टे ते टे ते टे घीना, ते टे ते टे ते टे घीना, एंड धा ती रे के टे धे ते टे घीना, धा ती धागे तू ना कत्ता। फास्ट भी इसी प्रकार बजेगा।
ओके, आज की क्लास मैं यहीं समाप्त करता हूँ, एंड करता हूँ, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम मिलेंगे। तो ओके, बाय, नमस्कार।